आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार और राजभवन एक बार फिर से सामने आते दिख रहे हैं। दरअसल राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नगरीय प्रशासन विभाग की बैठक ली और कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बनाते समय संविधान के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इस पर सरकार के प्रवक्ता रविन्द्र चौबे ने कहा कि राजभवन की क्या सीमाएं हैं ये सरकार को पता है। रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सरकार और राजभवन के बीच टकराव की स्थिति पैदा होती दिख रही है। दरअसल मंगलवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नगरीय प्रशासन विभाग की एक बैठक ली थी। इसमें उन्होंने कहा था कि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाते समय संविधान का पालन करना चाहिए। राज्यपाल के निर्देश की विज्ञप्ति भी कल शाम को जारी की गई थी। इस पर सरकार के प्रवक्ता रविन्द्र चौबे की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई है। रविन्द्र चौबे ने कहा कि सरकार को अपनी सीमाएं पता है, साथ ही राजभवन की क्या सीमाएं हैं ये भी सरकार को पता है। सरकार और राज्य शासन ये जानती है कि महामहिम की सीमाएं क्या हैं और सरकार की सीमाएं क्या हैं। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार को कितना काम कब करना चाहिए हमें मालूम है, इसलिए मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। और जहां तक अधिकारियों से निर्देश देने का बात है, महामहिम लोकतांत्रिक रूप से सरकार का के संरक्षण के रूप में काम करते हैं। अपने अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया है, हम उम्मीद करेंगे हमारे सभी अधिकारी उनके निर्देशों का पालन करें। वहीं इस मामले में विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के अधिकार ज्यादा होते हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब सरकार राजभवन को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। सरकार को अधिकार है कि सरकार के मंत्रिमंडल के जो निर्णय है उन निर्णयों को एक बार, दो बार या तीसरी बार राज्यपाल को स्वीकार करना होगा, परंतु राज्यपाल को जो विवेकाधिकार हैं उन विवेकाधिकार में पांचवी अनुसूची भी है। इसलिए पांचवी अनुसूची के बारे में एक मंत्री के द्वारा राज्यपाल और राजभवन की सीमाओं को बताना, ये मुझे लगता है कि अपनी सीमाओं का उल्लंघन है, ये अतिक्रमण है। ग्राम पंचायत को नगर पंचायत में बदलने को लेकर राजभवन और सरकार आमने सामने आ गई है। राज्यपाल खुद आदिवासी वर्ग से संबंध रखती हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल के अधिकार संविधान से ज्यादा प्रदत्त किए गए हैं। ऐसे में अगर अनुसूचित क्षेत्रों में भी किसी विषय को लेकर विवाद होता है तो टकराव की स्थिति लंबे समय तक चल सकती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मंगलवार को अधिकारियों की बैठक लेकर साफ किया था कि ग्राम पंचायत को अगर आप नगर पंचायत बना रहे हैं तो नियम कायदों का ध्यान रखिए। इस पर रविन्द्र चौबे का साफ तौर पर यही कहना था कि हमें राजभवन की सीमाएं भी मालूम है और सरकार की सीमा भी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्यपाल को पूरा अधिकार है, आप राज्यपाल के अधिकारों का हनन करना मत शुरू करिए, इसके गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जनहित रंग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नाम।